अच्छा जी, पिछली वीडियो में आपको बताया था अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग, नीचे से घेर बनाना बताया था, तो उसके आए थे दो तरफ जोड़, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा कपड़ा होता है तो जोड़ आते हैं, उसका जोड़ के बगैर वो बन ही नहीं सकता। आज हम बनाएंगे बाजू, अम्ब्रेला बाजू, तो इनको जोड़ के बगैर मैं आपको कटिंग करना इसकी सिखाऊंगी। आर्ट कर लेते हैं ये लंबाई इसकी 3/4 के आगे, क्योंकि उसमें सिलाई वगैरह का भी मार्जिन छोड़ना है ना, तो 8 इंच यहाँ पे इसकी लंबाई रख लेते हैं। अब इसकी ये जो चौड़ाई होगी ना बाजू की, ये जिसका हम बना रहे हैं वो 12 इंच है, तो चौड़ाई यहाँ से ली जाती है 12 इंच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए, ये अम्ब्रेला बाजू की हमने कटिंग की है इस तरह से, और इसको हमने ये जो इसका पीछे बाजू है इसको 3/4 रखा है, ये यहाँ तक आएगा 3/4, और फिर इसके आगे हमने इसको ये इस तरह करके जोड़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये कपड़ा है, इसको हमने डबल फोल्ड इस तरह करना है, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब इसको फिर से हमने फोल्ड कर लेना है, यूं करके पहले साइज़ हमने ले लेना है ये कितना है, ये फ्रंट इसका देख लेना है 3/4 है, तो इसका बाजू हम देख लेते हैं, बाजू है 5.5 से थोड़ा सा ऊपर है, 6 इंच तक आ रहा है, ठीक है, ये 6.25 हो जाएगा, आपने ज़्यादा खुला नहीं किया, 6.25 आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसको हम 6 ही कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बाजू थोड़ा खुला कर लेंगे तो 6 के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, ताकि मेजरमेंट करने में आपको आसानी हो, 6 के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने लगाना है 3 इंच का निशान, ये आ गया 3 इंच का निशान, ठीक है। इसको हमने 4 पार्ट्स पे डिवाइड करना है, यानी 6 है तो 12 इंच आ जाएगा, 12 का अब हमने चौथा हिस्सा इस पे निशान लगाना है, यानी कि 3 इंच आ जाएगा, 3 इंच इधर से जाएगा, 3 इंच इधर से जाएगा, 3 इंच दोनों इन साइड्स पे जाएगा, तो हमारा 12 ये पूरा हो जाएगा, तो उस हिसाब से हमने इसका पूरा पूरा ये रखा है। अब यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हम रख लेते हैं जितनी भी आ रही है, ये तकरीबन 7 इंच तक पूरा हो रहा है कपड़ा, तो 7 के हिसाब से हम रख लेंगे, इधर भी 7 इंच रख लेंगे, और इधर भी 7 इंच का निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ सेंटर में भी हम निशान लगा लेंगे 7 इंच का ही, और यहाँ पे भी हमने 7 इंच का ही निशान लगा लेना है। अब इनको आपने मिला लेना है इस तरह करके, यूँ करके मिला लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, पहले यहाँ से कटिंग करेंगे, ये वाली 3 इंच की होगी। अब यहाँ से हमने इसकी यूँ कटिंग कर लेना है, ये होगी। अब इसको खोलेंगे, ये देखें, ये इस तरह से इसकी कटिंग हो जाएगी, और फिर इसको सारा खोल लेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये अम्ब्रेला बाजू की इस तरह से कटिंग हो जाएगी। अब ये अच्छा, अभी मैं आपको ये बाजू लगाने का तरीका बता देती हूँ किस तरह से लगाने हैं। बाजू को आपने पहले तैयार कर लेना है, 3/4 ये बाजू हैं, फुल नहीं है, 3/4 तक रखा हुआ है इनको, और फिर उसके आगे हमने ये लगाना है इस तरह करके बाजू। अब बाजू लगाना ये कैसे है, कटिंग मैंने सारी आपको समझा दी है। अब इसको हमने रख लेना है ऐसे, और ये बाजू सीधा ही होगा, इसकी भी सीधी साइड आपने रख लेनी है ऐसे, ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, ये ठीक है, यानी ये सीधी साइड है, दोनों अंदर की तरफ है, ये भी सीधी साइड, ये भी सीधी अंदर रखनी है। बस एक कॉर्नर से शुरू कर लें, ये 4 कॉर्नर्स हैं, एक को यहाँ पे सिलाई के ऊपर रखें, और फिर इसको सारी इसी तरह ही घुमा के सिलाई लगा लें, चुनट कहीं भी नहीं आने देनी, इस तरह से सारी सिलाई लगा ली है, ये सारे किनारों पे। थोड़ा सा कपड़ा ये ज़्यादा हो गया था एंड पे, थोड़ी सी चुनट यहाँ पे डाल दी हल्की सी, इसे चुनट ना ही आए तो बेहतर है। अब ये इसको सीधा हम करेंगे तो ये इस तरह से बाजू हो जाएंगे, ये इस तरह से